मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे उन्होंने सिर्फ उस समय हाथ का पंजा देखा, एक ही तस्वीर देखी, ऊपर देखना है, देखी कि नहीं देखी, लेकिन ऊपर वाला नहीं देख रहा है अभी तक इस बात को कि आप क्या देखना चाहते थे, ये नौजवान साथी क्या देखना चाहते थे। अभी कल ही हमारे एक विधायक जी ने कहा का है ना, अभी हमारा सीएम कैसा हो, मंत्री बनाओ। अरे भाई हम तो हम नहीं कह रहे, अब हमारे तो ठप्पा लग गया वेश सोलंकी, तो भैया उन्हीं को याद नहीं, जब वही बोले लोग तो थाका नहीं बोलने लग गया। अरे धीरे धीरे सब बोलेंगे, जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव तो ये सारे बोलते चल जाएंगे। इसलिए मैंने उस समय करौली में बोला था कि नौजवानों का दिल का जो टेम्परेचर है वो नाप लो, आना ना उस समय नहीं, अभी भी कह रहा अभी भी समय है कि सचिन पायलट कोई जाति का नेता नहीं है, 36 कौम का नेता है, सारे नौजवानों के दिलों में बसता है। मैंने बात कही जाति से जोड़कर जो लोग कमजोर करना चाहते हैं, जाति उनके साथ है तो ताकत उनके पास है, लेकिन राजस्थान का नौजवान साथी उनके साथ है, 36 कौम उनके साथ है, 36 कौम उनके लिए काम करती है, दिलों में बसते हैं सचिन पायलट जी, इसके लिए किसी से झुकने की बात नहीं है। आप लोग जब मैं यहाँ पे आया था उस समय आपने देखा होगा कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने एक ही बात कही है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ करा दिया हो, इस समाज के लोगों ने एक भी विधायक नहीं जिताया हो, ऐसी है कोई जाति आज तक पूरे राजस्थान के अंदर कि पूरे के पूरे बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया हो। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं तो बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों का कि जिन्होंने पूरा की पूरा उस समय आंख बंद कर ली, कहने के लिए हो सकता है खुद को ही वोट दिया हो, लेकिन एक ही वोट दिया सिर्फ, और पूरे के पूरे घरों में वोट दिया तो हाथ पे दबा दिया, दबाया कि नहीं दबाया। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि ये एक कड़प है, ये एक ललक है और ये एक आग है, अगर इनके नौजवानों के सीने में अगर धड़कती रही और समय रहते अगर इस आग को अगर बाहर नहीं निकाला गया तो पूरे समूचे प्रदेश में आग लग जाएगी। तो युवा साथियों, जिस तरह से आपने एक बात बार बार कही है कि आने वाले समय में आपके चेहरों पे उदासी नहीं होनी चाहिए, समय आने वाला समय हमारा है, आपका है और हमारा है, ये मैं आपसे कह सकता हूं। इसलिए निश्चित हो जाइए कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे खुशी के दिन आ रहे हैं वो ब्लॉक्स लौट के आएंगे और जो वादे आपसे पूरे राजस्थान में किए थे वो वादे पूरे किए जाएंगे। आपने मंदिर के अंदर जो जो घोषणा करवाई थी ये कोई मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जो ताकत थी आपने दिया है और आपका दिया मैं आपको लौटा रहा हूँ, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, कोई 51 लाख की बात नहीं है, आपके लिए अगर करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तो करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि दिया हुआ सब कुछ आपका है, आपका दिया हुआ मैं आपको लौटा रहा हूँ, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आपसे कहना चाहता हूँ एक चीज ध्यान रख के सुन लो, मैं कोई पार्टी के साथ नहीं हूं, बार बार कहता हूं मैं सचिन पायलट जी के साथ हूं। कई नेता हमारे पोस्ट डालते हैं, आने वाला विधायक रामलाल जी होंगे, आने वाले विधायक श्यामलाल जी होंगे, मेरे दादा उसे कोई के साथ चल जाओ, मैंने कोई तभी नहीं बोला, लेकिन मैं पायलट को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एक चीज का आपको मैं फिर बता देना चाहता हूं आपके साथियों, एक बात का मुझे गम होता है और वो गम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आज ही मेरे पास में एक व्हाट्सएप आया, सब काठा वाला ना फलना जी ना गुजर न थे कहीं लगा दियो, एक मास्टर लगाया ना अपना, ये तो फलाना जी को जे फलाना जी को जे, मैंने कहा कहीं लोगों ने ये माको आदमी छोड़ दो आपस में, हमारे सब एक हैं,
हो सकता है कोई साथी आज मेरे से नाराज है तो कल खुश हो जाएगा, और कल जो खुश है वो कल नाराज हो जाएगा, कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक ही बात है, जहां मैं देखता हूं कि जहां लग गया आपनो पायलट, वहां का परसेंट 100% काम की गारंटी है, उसको मत चुकाओ। एक भी कर्मचारी कोई रह गया हो अभी भी, राम साई जी आपनों में कोई रिश्तेदार रह गया हो ना तो लिया जो, उसको चाशू लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर कोई रिश्तेदार भी आसपास के हो तो उनने भी लिया जो, क्योंकि आपके तो वैसे कर्मचारी कम है, आपका तो कोटा ही पूरा नहीं होता, लेफ्ट होता है, तो आपकी वैकेंसी बहुत है, अभी आपकी वैकेंसी बहुत है, निश्चित रहिए। जितना आपने काम किया है, जितना आपने दिया है, तो आपका कोटा पूरा नहीं हुआ अभी, आपको काम कराने की बहुत आवश्यकता है, समाज को बहुत आवश्यकता है, और इस समाज को बहुत आगे जाने की आवश्यकता है। इसलिए आप तमाम लोग, सारे लोग मिलकर काम करो, उसी तरह से मुट्ठी में रहो, और इस मुट्ठी की ताकत को बना के रखो। ये कई लोग जब आएंगे तो इस मुट्ठी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको आपको साथ रखना, जिसके साथ रहना रहना, लेकिन अपनी जो मुट्ठी है उसको कभी लीक मत होने देना, अपनी ये मुट्ठी की ताकत को बनाना, और अपनी ताकत को हमेशा जाया मत जाने देना। मैं यही बात कहना चाहता हूं। आपने बात कही पट्टे की, अरे पट्टा वट्टा तो आपके पास जाने की जरूरत, नगर पालिका जाने की जरूरत नहीं है, पट्टा आपके पास चल के यहां पे आएगा, इसलिए पट्टे की कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ये कभी बोल रहे जाऊं, क्योंकि कई लोग तो राजनीतिक होते हैं ना, कई लोग राजनीतिक होते हैं तो उनने तो मीक मेक निकालनी चाहिए, जो कमी रह गई वो बताओ। अब कई लोग कहते हैं, आपने कहा कि पहले ये बना दो, बना दिया, आपने कहा कि पूरा बना दो, बना दिया, आपने कहा था हाई टेंशन लाइन गुजरती थी, ध्यान है आपको, यहाँ पे इसके ऊपर से किसने अटवाई वो, हमने अटवाई, जब तो जीते हुए नहीं थे, हारे हुए थे ना तभी अटवाई, इसलिए अब तो अपन जीते हुए हैं भाई, मैं नहीं जीता हुआ, आप लोग जीते हुए हो, इसलिए छोटी बात करते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप डिमांड करो, आपको रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है, ये आपका अधिकार है। जो चीज सरकार ने छूट दी है, मैं आपको वादा करता हूं कि आपका पट्टा निशुल्क मिलेगा, और जल्दी से जल्दी मिलेगा, आपने 10 दिन का टाइम दिया, मैं तो कह रहा हूं दिन ही क्यों नहीं हो गए, कल हर कल जोधपुरिया पहुंचे, हो सकता है मैं भी पहुंच जाऊं, तो जोधपुरिया पहुंचने से पहले अगर पट्टा मिले जब तो आ जाओ, फायदा एंड हमारी बालिकाओं के लिए। और एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो हमारी लाज रखी, पंचायत समिति बनाई आप, ले गया दूसरा कॉलेज, ले बनाया नहीं बोल लीजा वादिया में, मैं दूसरे दिन आया, मैं बीकानेर गया हुआ था, मैंने कहा भैया चाली ये कॉलेज भी चाली आपने, मैं बीकानेर जाया, सीधा रात को आया, सारे नौजवानों को बुलाया, हमारे सीताराम जी, सीताराम मंडावरिया जी, सीताराम गुजर जी, चेयरमैन साहब के नेतृत्व में कमेटी बनाई, और इन तमाम नौजवानों के साथ मिलकर इन्होंने टीम भावना से काम किया, 36 घंटे में आपके बेटे को अध्यक्ष बनाया, सुरेंद्र को, विश्राम को बनाया कि नहीं बनाया, अरे वो तो बोलवाड़ा बोला थे, बोलो जो पता था कि बना दिया, कहीं ना कहीं खेल हो गयो, खेल हो गयो, तो इसलिए जो आप नौजवानों ने जो मिलके काम किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने एक काम के लिए और बोला, महिला छात्रावास के लिए, महिला छात्र